यमुनानगर के ककड़ोली निवासी रुचि की दिसंबर 2020 में शादी हुई थी। परिवार के लोगों का आरोप है कि शादी के एक माह के बाद ही रुचि के उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रही थी। कभी मोटरसाइकिल तो कभी अंगूठी को लेकर उसको ताने दिए जाती थी, लेकिन रुचि इन सब बातों को अपने दिल में ही रखती गई। हालांकि उसने परिवार के लोगों को इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन जब रुचि को पता चला कि उसके पति की किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, तो रुचि ने इसका विरोध किया, जिस पर उसका पति रोजाना शराब के नशे में धुत होकर आता और उसकी पिटाई करता। आरोप है कि मामले में पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बुधवार दोपहर बाद परिवार में रुचि के ससुराल की तरफ से फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन जब ये लोग रात को उसके ससुराल पहुंचे, तो रुचि को दूसरे कमरे में नीचे फर्श पर लेटाया हुआ था, और जब उसको देखा तो उसमें कोई सांस प्राण नहीं थे। आरोप है कि रुचि का तकिए के साथ सांस रोककर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, और घटना के बाद उसके ससुराल पक्ष के लोग भी घर से गायब है। मामला तो ऐसा है जी, मारी गई वह लड़की, उसके सासना और नणंदना और परिवार ना और उसके मतलब कारण क्या बात, घर की लड़ाई रोज आज शराब पी का था, रोज लड़ाई करा था, चेता था, मारा था, कभी कभी मोटरसाइकिल नहीं दी, कभी कुछ नहीं दिया, कभी गुंठी नहीं पाई, ऐसे किसी के साथ नजायज संबंध भी थे जी उसके, बताओ रोज लड़ाई होनी, रात ने 1 बजे आना, 2 बजे आना, फिर उस पर लठ बजाना, डंडा पेलना। कल उसकी जो मौत हुई है वो कैसे हुई है, कैसे हुई तो वो तो फोन कर रहा था जी, फिर हम भी आ गए, ये भी गए, लड़की कल्ली पड़ी हुई थी, वो कह रहा मैं 6 बजे चाप पी का गया, अच्छा पी का कहा मेरे पर 9 बजे फोन करा, कहा बेहोश पड़ी थी, कोई चोट का निशान नहीं है, वो तो वैसी है जी, उसकी तो आंखा बाहर निकल रही थी और लेटरिन और सावली बाहर निकल रहा था और कुछ नहीं था जी, वो तो ऐसी पड़ी जनो या घोटका मारी हुई या तकिए तो मारी हुई। वहीं रुचि के मायके वाले ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल जगाधरी ले जाया गया। रमेश कुमार ने कंप्लेंट दी है, मेरी लड़की की शादी 2020 में कड़कौली गांव में हुई थी और उसकी कल दिनांक 7/7 को मौत हो गई, इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया, पोस्टमार्टम करा रहे, जैसे पोस्टमार्टम हो रहा है, धाराएं 304B और 34 किस किसके, इसमें लड़का है, लड़के की माँ है, बहन है उसकी, उसका बनोइया है, एक चाची का नाम है और एक अन्य है। कुछ कारण बताएं, अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। बहरहाल मामला शांत होने के बाद परिजन शव लेकर चले गए। फिलहाल मामले में अभी भी 5 लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, जिस पर पुलिस जाँच भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी टीवी।